आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में और जानेंगे बिजली व बिजली के उपकरणों का उपयोग करने के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम सभी लोग प्रतिदिन बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं बिजली के बिना जीवन जीने की, तो शायद हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी आसानी के साथ वो कम समय में हम कार्य को बिजली से चलने वाले उपकरणों के द्वारा करते हैं, उन्हीं कार्यों को अगर बिना बिजली के उपकरणों के द्वारा किया जाए तो उस कार्य को पूरा करने में काफी समय लगता है। वैसे तो बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे समय के साथ साथ लगने वाली लागत को भी कम करने में मदद करता है। लेकिन जब बिजली का व बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करते समय, इन्हें खरीदते समय या इनकी मरम्मत करते समय अगर सुरक्षा का ध्यान ना दिया जाए तो ये सबके लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा इन उपकरणों का उपयोग करने के दौरान कभी भी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इन उपकरणों की खरीद व उपयोग के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इनके अनुचित उपयोग से क्या हो सकता है, इन सभी के प्रति सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल पूरे भारत में 26 जून से 2 जुलाई तक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर नेशनल सेफ्टी काउंसलिंग इंडिया के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक कैंपेन चलाया जाता है। इस सप्ताह की थीम हर साल अलग अलग होती है और इस वर्ष 2023 की थीम है डोंट कॉम्प्रोमाइज बी वाइज। इस थीम का उद्देश्य है बिजली और बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करते समय कभी भी लापरवाही ना बरतें और बिजली का कार्य हमेशा बड़ी सावधानी के साथ करें। इस पूरे सप्ताह के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को विद्युतीय खतरों से अवगत कराया जाता है, जिससे उनमें विद्युतीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ सके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली और बिजली के उपकरणों के साथ कार्य करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी बिजली के तार को अपने मुंह से ना छीलें। बिजली के तार को छीलने के लिए हमेशा प्लास का उपयोग करें। बिना सेफ्टी बेल्ट पहने किसी भी पोल या टावर पर चढ़कर कार्य ना करें। पोल व टावर पर कार्य करने के दौरान हमेशा सेफ्टी बेल्ट पहने। गीले हाथों से कभी भी बिजली के उपकरणों को ना छुएं। बिजली के उपकरणों को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से सुखाएं। अगर बिजली के उपकरण चालू हैं तो उस दौरान उस उपकरण की मरम्मत या सर्विसिंग ना करें। सबसे पहले उस उपकरण को बंद करें और स्विच से उसका प्लग बाहर निकालें। उसके बाद ही मरम्मत व सर्विसिंग का कार्य करें। एक्सटेंशन कोड को कभी भी ओवरलोड ना करें। एक्सटेंशन कोड को ओवरलोड करने के बजाय एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड लगवाएं। बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए कभी भी लोहे की सीढ़ी का उपयोग ना करें। अगर आपको बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग करें। दो तारों को जोड़कर कभी भी उन्हें खुला ना छोड़ें। तारों को आपस में जोड़ने के बाद उन पर इंसुलेशन टेप लगाएं और कनेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। नंगे पैर व बिना दस्तानों के कभी भी बिजली का कार्य ना करें। बिजली का कार्य करने के दौरान हमेशा रबड़ के जूते व दस्ताने पहने। विद्युत रोधी टूल्स के बिना बिजली का कार्य ना करें। बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा विद्युत रोधी टूल्स का ही उपयोग करें। बिना सुरक्षा निर्देशों को पढ़े बिजली के उपकरणों का उपयोग ना करें। किसी भी बिजली के उपकरण का उपयोग करने से पहले हमेशा उसके सुरक्षा निर्देशों को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही उस उपकरण का उपयोग करें। बिजली के उपकरणों में आग लगने पर कभी भी उन पर पानी ना डालें। अगर कभी भी बिजली के उपकरणों में आग लग जाती है तो मुख्य स्विच द्वारा बिजली आपूर्ति को जल्दी से जल्दी बंद करें और रेत या अग्निशामक यंत्र के द्वारा उस आग को बुझाएं। गीले फर्श या स्थान पर बिजली के उपकरणों का उपयोग ना करें। हमेशा सूखे व साफ स्थान पर ही बिजली के उपकरणों का उपयोग करें। बिना फेज की तार स्विच पर लगाए हुए इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में स्विच का कनेक्शन ना करें। हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में स्विच का कनेक्शन करते समय स्विच पर फेज की तार को ही लगाएं, ताकि जब भी आप स्विच बंद करें तो उपकरण में से सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए। प्लास का उपयोग किसी भी वस्तु को ठोकने के लिए ना करें। प्लास खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि प्लास पर लगा इंसुलेशन अच्छी क्वालिटी का है या नहीं और प्लास का उपयोग उसी कार्य के लिए करना चाहिए जिस कार्य के लिए वह बना है। बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी भी लाइन को विद्युत सप्लाई के साथ कनेक्ट ना करें। विद्युत सप्लाई के साथ कनेक्ट करने से पहले ये जांच लेना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उस लाइन पर कार्य तो नहीं कर रहा। बिना स्विच ऑफ करें फ्यूज कभी ना लगाएं। फ्यूज लगाने से पहले स्विच को स्विच ऑफ कर दें। अगर आप बिजली का कार्य करने में कुशल नहीं है तो आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए। बिजली का कार्य हमेशा एक कुशल व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। बिजली के उपकरणों को कभी भी चालू ना छोड़ें। हमेशा कार्य के पश्चात
बिजली के उपकरणों को बंद करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील्ड टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।